हेलो फ्रेंड्स, होम कुकिंग एंड गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की जो रेसिपी है मैं बनाना शुरू करती हूँ, तो चलिए बनाते हैं। इसी चना बनाने के लिए मैं कुकर चढ़ा दी हूँ, कुकर गर्म हो गया और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा अधिक तेल डालूँगी। तेल को थोड़ा गर्म होने दूंगी। तेल गर्म हो गया और अब मैं इसमें डालूंगी 5 फोरन, 1 तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग, ये ऑप्शनल है। इसे ब्राउन होने दूंगी और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 बड़े साइज का प्याज। इसे थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स, प्याज थोड़ा फ्राई हो गया और अब मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और इसे भी थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स, प्याज और अदरक लहसुन फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसमें 1 बड़े साइज का टमाटर कटा हुआ डालूंगी, इसे भी मैं थोड़ा फ्राई कर लूंगी। फ्रेंड्स, प्याज टमाटर सब फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसमें देसी चना है ये मैं इसमें डाल दूंगी। जब मैं देसी चना को भिगोती हूँ तभी मैं इसमें खाने का सोडा डाल देती हूँ 1/2 टीस्पून, तो ये अच्छे से फूल जाते हैं। और अब मैं चना डालकर 5 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, चना को मैं 5 मिनट तक फ्राई कर ली हूँ और अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और मैं इसे मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा और फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, चना को मसाला ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए मैं और फ्राई कर ली हूँ और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून किचन किंग मसाला और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ी से और फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स, मसाले सभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। जितना ग्रेवी चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल दूँगी और मैं कुकर का ढक्कन बंद करके 2 से 3 सीटी आने तक इसे मैं अच्छे से पका लूँगी। फ्रेंड्स, कुकर 3 सीटी दे दिया और अब मैं गैस मीडियम करके या सिम करके मैं इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा और पकने दूंगी। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गया, अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इस कुकर ठंडा होने तक इसका वेट करूंगी। तो फ्रेंड्स, बनकर तैयार है देसी चने की सब्जी। अब आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए।